नमस्ते बच्चों, मैं आपकी कक्षा अध्यापिका इशिका आज आपके सामने हिंदी की पाठशाला के साथ उपस्थित हुई हूँ। आप सभी का श्रीमा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, आप सब घर में अपने मम्मी पापा का कहना मान रहे हैं ना, और साथ ही साथ पढ़ाई के लिए भी कुछ समय निकाल रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपको क्या ये चित्र दिखाई दे रहा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सा कार्टून है? मुझे तो पता है आप सबका ये फेवरेट है। इस कार्टून का नाम है टॉम एंड जेरी। जो ये बिल्ली है ये है टॉम, और जो ये चूहा है वो है मैं, वो है जेरी। जैसे कि आप सब जानते हैं, चूहा और बिल्ली आपस में बहुत खतरनाक वाले दुश्मन होते हैं। अगर बिल्ली चूहे को कहीं देख लेती है तो वो सटपट भागती है उसे पकड़ने के लिए, और चूहा भी अगर बिल्ली को देख ले तो वो भी अपने आप को बचाने की जी जान से को कोशिश करता रहता है। तो अगर आप ये कार्टून देखेंगे तो आपको आप इसमें आराम से देख सकते हैं कि कैसे टॉम हमेशा जेरी के पीछे पड़ा रहता है। कभी बिल में घुस जाता है उसके पीछे, कभी वो उसके सामान अपने सामान बचाने के लिए उसके पीछे पड़ा रहता है, और जेरी उसको हमेशा तंग करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। कभी उसके ऊपर कूदता है, कभी उसकी मूछें खींच लेता है ना, कभी उसके फ्रिज खोल के उसका खाना खा जाता है। और जब और सबसे ज़्यादा उसे तंग कब करता है? जब टॉम सो रहा होता है। देखो कैसे पीछे पड़ा हुआ टॉम उसके, पर जेरी बहुत खुश है क्योंकि जेरी उसे उसको जेरी को टॉम को सताने में बड़ा मज़ा आता है। तो आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं वो इन दोनों चित्रों पे ही आधारित है। तो आज हम कविता पढ़ेंगे चूहो म्याऊं सो रही है। हमारी कविता का शीर्षक है चूहो म्याऊं सो रही है। चलिए शुरू करते हैं। घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे पूछ सवारे, देखो कोई मौसी सोई नासों में से सासों में से। घर 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 हो रही है चूहो म्याऊं सो रही है, बिल्ली सोई खुली रसोई भरे पतीले चने रसीले। उल्टो मटका देकर झटका जो कुछ पाओ चट कर जाओ, आज हमारा दूध दही है चूहो म्याऊं सो रही है। मूछ मरोड़ो पूछ सिकोड़ो नीचे उतरो चीजें कुतरो, आज हमारा राज हमारा करो तबाही जो मन चाही, आज मची है चूहा शाही। डर कुछ भी चूहो को नहीं है चूहो म्याऊं सो रही है। हम एक बार फिर से इस कविता को पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे पूछ सवारे, देखो कोई मौसी सोई नासों में से सासों में से। घर 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 हो रही है चूहो म्याऊं सो रही है, बिल्ली सोई खुली रसोई भरे पतीले चने रसीले। उल्टो मटका देकर झटका जो कुछ पाओ चट कर जाओ, आज हमारा दूध दही है चूहो म्याऊं सो रही है। मूछ मरोड़ो पूछ सिकोड़ो नीचे उतरो चीजें कुतरो, आज हमारा राज हमारा करो तबाही
जो मन चाही। आज मची है चूहा शाही, डर कुछ भी चूहो को नहीं है, चूहो म्याऊं सो रही है। तो बच्चों, इस कविता को अगर हम पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि चूहे अपना गुणगान कर रहे हैं, चूहे बता रहे हैं आज सब जगह सिर्फ चूहों का राज है, हम जहाँ चाहे जा सकते हैं, जो मन चाहा कर सकते हैं, क्योंकि म्याऊं मतलब बिल्ली सो रही है। ठीक है, चलिए इसका अर्थ, इस कविता का अर्थ समझते हैं। घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे पूछ सवारे, इस पंक्तियों में, इस लाइंस में चूहा बिल्ली के बारे में बता रहा है कि इस टाइम बिल्ली के सोने की एकदम सटीक जगह कौन सी है। वो सारे चूहों को सावधान कर रहा है कि जो बिल्ली है वो घर के पीछे बिल्कुल जस्ट छत के नीचे पांव पसार कर और अपनी पूंछ को बिल्कुल लहरा के चुपचाप सो रही है। किसी को भनक तक नहीं लग पाएगी कि वो बिल्ली सो कहाँ रही है। देखो कोई मौसी सोई, नासों में से सासों में से। देखो बिल्ली मौसी सो रही है, उसके खराटों की आवाज़ भी बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही है। सब चूहों को बता दो कि घर के पीछे और जस्ट बिल्कुल छत के नीचे पांव पसार के बिल्ली रानी, बिल्ली मौसी आराम से सोई पड़ी है, उसके खराटों की आवाज़ दूर दूर तक जा रही है। घर 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 हो रही है, चूहो म्याऊ सो रही है। हर घरों में यही गुणगान चल रहा है, यही बातें चल रही हैं कि बिल्ली मौसी तो सो रही है। अब यहाँ पे घर 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 कौन बैठ के सोच रहा है कि बिल्ली मौसी क्या कर रही है, हम यहाँ पे चूहों की बात कर रहे हैं। हर घर के चूहे को पता चल गया है, चूहों को, कि जो बिल्ली मौसी है वो पांव पसार के आराम से छत के नीचे घर के पीछे वाली जगह पर आराम से सो रही है। बिल्ली सोई खुली रसोई, भरे पतीले चने रसीले। अरे वाह, बिल्ली तो सोई हुई है और रसोई भी खुली हुई है। चलो चल के देखते हैं पतीले में क्या है। पतीला तो भरा पड़ा है काले चनों की सब्जी से, मजा आ गया। उल्टो मटका देकर झटका, जो कुछ पाओ चट कर जाओ। सब लोग की हेल्प से, सहायता से चलो मटके को उलट दो झटका देकर और देखो उसके अंदर क्या है, चाहे कुछ भी हो, हमें तो चट करने से मतलब है, सबके सब चट कर जाओ। आज रसोई में सारा दूध और दही सिर्फ हमारा है, उस पे किसी और का राज नहीं है, सिर्फ हम खाएंगे वो दूध और दही और कोई नहीं, क्योंकि चूहों म्याऊं सो रही है। मूछ मरोरो पूछ सिकोड़ो, नीचे उतरो चीजे कुतरो। बच्चों, आपको पता है चूहों का सबसे पसंदीदा काम क्या होता है? चीजें कुतरना। आप उनके सामने कुछ भी रख दो, चाहे कपड़े हो, चाहे गत्ता हो, चाहे किताबें हो, चाहे बैग हो, कुछ भी, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे कुछ भी, वो सबको कुतर डालते हैं। तो जो चूजों का राजा है, चूहों का, वो बता रहा है अपनी मूछों को आराम से मरोड़ो, पूछों को भी सिकोड़ को बिल्कुल आराम से नीचे उतरो, ताकि थोड़ी सी भी आवाज़ ना आए, पैरों की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। और जितनी चाहे चीज़ें कुतरो, अपना पसंदीदा काम जो कर सकते हो सब करो। आज हमारा राज हमारा,
करो तबाही जो मन चाही। ये आज हमारा है, कल पता नहीं क्या होगा। कल पता नहीं बिल्ली सोती है कि नहीं सोती, पर आज तो हमारा है, तो आज सब कुछ तुम्हारा है। जाओ, जितनी तबाही कर सकते हैं करो, अपने मन की जो कर सकते हो करो, जो कुतरना है, जो खाना है, जो गिराना है, सब करो। आज मची है चूहा शाही, डर कुछ भी चूहों को नहीं है, चूहों म्याऊ सो रही है। तो बच्चों, आज तो चूहा शाही चारों तरफ फैली हुई है। चारों तरफ देखो तो सिर्फ चूहे चूहे और चूहों का ही राज है। आज चूहों को किसी से कोई भी डरने की जरूरत नहीं है और ना ही डर है उन्हें, क्योंकि बिल्ली तो सो रही है। तो बच्चों, पोयम पढ़ने में कैसा मज़ा आया? बहुत ही बढ़िया पोयम है, ये कविता है, आपको इसे पढ़ना है। और आप भी टॉम एंड जेरी कार्टून देख सकते हो और देख सकते हो कि वो आपस में कितना लड़ते हैं, चार दिन भर एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, और जो जेरी है वो अपने आप को टॉम से कैसे बचाता है। ठीक है, आप सबने ये कविताओं को याद करना है, इस कविता को। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 64 पढ़ो। घर के पीछे छत के नीचे, ठीक है, यहाँ पे कविता को लाइन के अकॉर्डिंग, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग समझाया गया है। ये घर है और घर के पीछे ये बिल्ली है छत के नीचे, ठीक है। पांव पसारे पूछ सवारे, देखो बिल्ली कैसे पांव पसार के पूछ सवार के बैठी हुई है। बिल्लियों को अपने शरीर को चाटना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, जैसे हम नहाते हैं ना, कई जानवर अपने आप को चाट कर साफ करते हैं, ठीक है। तो बिल्ली भी कैसा जानवर है जो अपने आप को चाटती है और अपने आप को साफ रखती है। भरे पतीले चने रसीले, पतीला बिल्कुल चनों से गदागद भरा हुआ है, ठीक है। उल्टा मटका देखकर झटका, देखो सारे चूहे एक साथ ताकत लगा, कैसे उन्होंने मटके को उलट दिया है ताकि उसके अंदर जो कुछ भी है सबके सब बाहर आ जाए। मूछ मरोरो पूछ सकोरो, बिल्ली ऐसे सोती है और चूहों को भी आसपास से निकलना होती है, वो भी अपनी पूछों को सिकोड़ कर निकलते हैं। नीचे उतरो चीजें कुतरो, तो जो भी मटके से बाहर आया या उन्हें जो भी रसोई में मिला उन सबको क्या करो, कुतर डालो, खा डालो। चलिए अब यहाँ पे इस तरफ देखते हैं चूहा कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले तीन लिखो, फिर तीन के ऊपर इस प्रकार से कान बनाओ और आंखें और फिर पैर बना दो और फिर पूंछ भी बना दो, बन गया चूहा। आप ये सब घर में ट्राई कीजिएगा। पेज नंबर 65 पे आइए। सोई खोई तुक मिलाओ आगे बढ़ो, जैसे बच्चों ये सांप दे रखा है, इस सांप के बीच में कई सारे वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। कुछ के तुक वाले वर्ड, जैसे सोई का खोई, ठीक है, पतीले का बताएंगे, हमें यहाँ पे तुक मिला के शब्द लिखने हैं। पतीले का क्या लिखेंगे, पतीले का लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ जो जगह दी है रसीले, ठीक है। मटका झटका,
पसार, हिसार। हिसार एक जगह का नाम है, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर उसकी जो आवाज़ है वो सेम बिल्कुल एकदम मिलनी चाहिए, तुक वाली होनी चाहिए। मरोरो, सिकोड़ो। उतरो, कुत्रो। इस प्रकार से आपको आपने यहाँ पे वर्ड्स को भरना है, ठीक है। चलिए दोबारा करते हैं। सोई, खोई। पतीले, आप यहाँ लिखेंगे रसीले, र सी ले, रसीले, ठीक है। फिर है मटका, मटका के लिए यहाँ लिखेंगे झटका, झ ट का, झटका। पसारे का यहाँ लिखेंगे सवारे, स व र एक ही मात्रा, सवारे। मरोरो, सिकोड़ो। सी को रो, सिकोड़ो। उतरो का कुत्रो, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे पूरा करेंगे। बच्चों, आशा है आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी और आप इसको याद भी करेंगे, साथ ही साथ अपनी बुक में, किताब में ये वाला काम भी पूरा करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम आगे के पेज का वर्णन करेंगे, तब तक आप अपनी कविता और अपने दिया गया सारा कार्य पूरा करें। साई राम।